हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का जुपिटर सुनील सिंह आज आप लोगों को एक सूचना देने आया हूँ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा का एक गाइडलाइन बताऊंगा आप लोगों को। ये गाइडलाइन बॉयज़ के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है, गर्ल्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आज मैं जिस गाइडलाइन की बात करूँगा ये BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस का है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं जो है आपको बताता हूँ, एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको BSc के बारे में बताऊंगा, क्या BSc की सीटें होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है। आपको हर जगह से सूचना मिल जाती होगी कि कितने ये ऐसे तो होता है, ये पढ़ना होता है और इतने मार्क्स, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये कोई बताता है कितने रैंक तक उसमें एडमिशन हो जाता है। तो ये मैं जो भी वीडियो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और यदि आपको अपने यहाँ किसी लड़की को या किसी गर्ल्स को यदि BHU में पढ़ाना है तो उससे अच्छा सुनहरा अवसर कहीं नहीं मिलेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक कर्म भूमि है और यहाँ से अगर कोई बच्चा आपका पढ़ लेता है तो मैं नहीं कहता कि जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन कुछ तो जरूर कर लेगा। आइए हम प्रवेश परीक्षा के बारे में जानते हैं। 15 फरवरी 2019 को एक हफ्ते बाद लगभग फॉर्म आने वाला है और मैं फॉर्म की आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। मैं सीटों की ज्यादा खासकर जानकारी दूंगा, सीटों का ब्यौरा बताऊंगा, किस तरह से जो है ये प्रवेश परीक्षा जो है गर्ल्स के लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि ये देखिए लिखा है प्रवेश परीक्षा 2019 और 20, ठीक है, इसका फॉर्म जो है 15 फरवरी 2019 को आ जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ आज जो है बात करूंगा सिर्फ BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस के बारे में। मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको BSc के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, BSc के कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी रैंक तक क्या मिलता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस का। तो मैं आपको बता दूं कि BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस, BHU जो है जो भी डिग्री कराता है वो BA ऑनर्स की डिग्री देता है और BA कला और BA सामाजिक विज्ञान ये अलग अलग कराता है, इंट्रेंस भी अलग अलग कराता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें एडमिशन की चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो 22 साल एज होती है। जो ही आप 22 साल एज क्रॉस करेंगे आप BA में एडमिशन के योग्य नहीं बचेंगे। ठीक, क्या क्या पढ़ना होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा फोकस खासकर जो है क्या पढ़ने पे नहीं है, कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस बात पे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, BA आर्ट्स के जो एंट्रेंस होता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, और ये 2 घंटे का होता है 150 क्वेश्चन, ठीक है ना, वो आपको डिटेल मिल जाएगा। देखिए, मैं वो ऐसा कोई डिटेल नहीं बताना चाहता जो आपको कहीं ब्रोचर्स में या किसी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। मैं आपको इनर साइड को देना इनर साइड की इंफॉर्मेशन दूंगा कि कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, बताऊंगा आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में करने होंगे। टोटल जो मार्क्स होते हैं इसमें 450, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और गलत होने पे 1 क्वेश्चन काटा जाएगा, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या क्या सिलेबस है मैं ये बताता हूं। करंट अफेयर, आपको BA आर्ट्स के लिए करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी बहुत 2-4 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स भी आ सकती है, संविधान पढ़ना पड़ेगा और भूगोल, इतिहास और पर्यावरण, ये जो भी है बहुत बेसिक है, थोड़ा सा ही मेहनत कर देंगे आपका बच्चा या आपकी जो बच्ची है वो एडमिशन आराम से पा लेगा। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं हिंदी लिटरेचर का पार्ट, हिंदी या इंग्लिश। इसमें बुकलेट के लास्ट में 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे, या तो हिंदी के या तो इंग्लिश के, ये नहीं आप दोनों करके चले जाओ, या तो हिंदी करिएगा या तो इंग्लिश करिएगा। ठीक है, तो 130 क्वेश्चन इसके रहेंगे, करंट अफेयर और भूगोल के पूरे सेशन, करंट अफेयर, रीजनिंग, संविधान, भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, 130 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन या तो आप हिंदी करेंगे या तो पर्यावरण, अरे सॉरी इंग्लिश। ठीक है, ये यहाँ सोशल साइंस में भी है। सोशल साइंस का मैं आपको बता दूं सिलेबस थोड़ा सा इसके अलग होता है, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा सेम, संविधान भी पढ़ना पड़ता है, भूगोल पढ़ना पड़ता है एज यूजुअल इसी का, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 पार्ट यहाँ लिखा, एक पार्ट मैं भूल गया हूं, मैं बताता हूं। प्लस टू की NCERT की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये पार्ट मैं लिखना भूल गया हूं, अर्थशास्त्र,
मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये तीन चीज एक्स्ट्रा पढ़ के और ये जो उसमें पढ़े रहेंगे आप एक्स्ट्रा पढ़ के बीए सोशल साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए सोशल साइंस की भी मैक्सिमम एज 22 साल है, इससे ज्यादा होने पर आप नहीं भर सकते फॉर्म, ठीक है। इसमें भी 20 क्वेश्चन जो है आपके ये हिंदी या इंग्लिश के आते हैं, 130 क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संविधान और करंट अफेयर्स से, और 20 क्वेश्चन उसमें भी हिंदी और इंग्लिश के आते हैं। अब देखिए आप इंट्रेंस तो दे दीजिए, अब इनर साइड की इंफॉर्मेशन में देता हूं क्यों ये लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिट है। देखिए यहाँ पे बीएचयू मेन कैंपस में 614 सीटें हैं लड़कों और लड़कियों की। पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले बीएचयू मेन कैंपस में लड़कियों को नहीं पढ़ाता था आर्ट्स फैकल्टी में, ठीक, लेकिन वो भी ओपन कर दिया गया लड़कियों के लिए। और बीएचयू मेन कैंपस से बाहर पीजीडीएवी में ये अफिलेटेड कॉलेज है, यहाँ पे भी 246 सीटें हैं और यहाँ पे भी लड़की और लड़के पढ़ते हैं। तो ये बीएचयू मेन कैंपस और पीजीडीएवी, ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे कोएड एजुकेशन, संयुक्त शिक्षा दी जाती है लड़कों और लड़कियों की। लेकिन इसके अलावा देखिए लड़कियों के लिए क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि महिला महाविद्यालय, आर्य महिला, बसंता कन्या महाविद्यालय कमच्छा और बसंता राजघाट, ये 4 ऐसे कॉलेज हैं, ठीक है, जो केवल और केवल लड़कियों के लिए बने हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी सीटें 230 हुई, 307, 230, 333, ठीक है। तो ये इतनी सीटों पे लड़कियों का सिर्फ एडमिशन होता है, तो आप सब समझ सकते हैं कि इसमें लड़के फाइट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इसमें लड़कियों का एडमिशन करना। लेकिन आपको मैं प्लस पॉइंट बता देता हूं कि इसमें इस 4 गर्ल्स कॉलेजों में एक महिला महाविद्यालय है जो बीएचयू मेन कैंपस के अंदर है, बीएचयू मेन कैंपस के अंदर है, और हॉस्टल की फैसिलिटी जो है सिर्फ बीएचयू प्रशासन जो है इसी महिला महाविद्यालय में देता है, इसकी 230 सीटें हैं। और यदि उसमें आपके 180 मार्क्स से ऊपर आए, मतलब यदि आपके 60 क्वेश्चन सही हुए 150 में से, अगर 450 मार्क्स में से आपके 180 मार्क्स से ऊपर आए या 60 क्वेश्चन से ऊपर आए, तो आपका महिला महाविद्यालय के बीए आर्ट्स में एडमिशन हो जाए, ठीक। लेकिन 180 से नीचे आए तो आप आर महिला, बसंता और बसंता राजघाट में आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं बीएचयू की फीसें बहुत कम है, लगभग 2300 या 2400 रुपये है पहले सेमेस्टर में, पहले ईयर में, उसके बाद तो मात्र 1000 रुपये फीस है। और वही हॉस्टल का, चाहे अपने बच्चे का रहने का जो भी अकोमोडेशन चार्ज पड़ता हो, बस यही है, बहुत ही सस्ता है बीएचयू। अगर अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, खासकर बच्चियों को, आप अगर देखिए अगर आप यहाँ एडमिशन नहीं करवाएंगे तो कोई एडमिशन करवाएगा, सीट को तो भरना है, प्रशासन सीट तो खाली रखेगा नहीं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आसान लड़कियों का, देखिए जहाँ लड़कों को शायद 180 मार्क्स से ऊपर बेचारे लाते हैं, तब उनका बीएचयू मेन कैंपस और डीएवी में हो पाता है, ठीक है। मेन कैंपस में तो वो 200-220 के ऊपर रहेंगे तभी हो पाता है, 180 नंबर तक या 60 क्वेश्चन बेचारे सही करते हैं तो ये दो कॉलेजों में लड़कों का एडमिशन हो जाता है। लेकिन इस 4 कॉलेजों की वरीयता के कारण, उपस्थिति के कारण, लड़की एक, अगर आपके गर्ल्स घर की लड़की 120 मार्क्स भी लाती है, 120 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चन भी सही करती है, तो उसका किसी न किसी कॉलेज में, देखिए 180 मार्क्स आएगी तो उसका महिला महाविद्यालय में एडमिशन होगा, ज्यादा पहले प्रेफरेंस वही भरता है। बाद का प्रेफरेंस जो होता है, अगर आपकी बच्ची 120 मार्क्स लाती है मतलब 40 क्वेश्चन सही करती है, तो उसका 4 कॉलेजों में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। यही सिनारियो आपको बीए सोशल साइंस में, बीए सोशल साइंस कुछ नहीं, बीए सोशल साइंस मेरिट थोड़ा नीचे आती है, कारण ये है कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के प्लस 2 के पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरिट नीचे आती है, ठीक है। उसमें भी बीएचयू मेन कैंपस और पीजीडीएवी में लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते हैं, और आर महिला, महिला महाविद्यालय आर महिला, बसंता और बसंता राजघाट, ठीक है, इनकी सीटें दिया है 154, 200, 100, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे मात्र 90 क्वेश्चन मार्क्स, सिर्फ 90 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चन भी अगर आपकी बच्ची करके आती है तो आपका, आपकी बच्ची का इस चारों जो है किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, या हो सकता है 80 मार्क्स पे भी हो जाए। मैं एक अपर लेवल को बता रहा हूँ,
30 क्वेश्चन जरा सोचिए, और यहां देखिए आप 40 क्वेश्चन। अभी देखिए इस 40 क्वेश्चन में आपका बच्ची अगर 20 क्वेश्चन केवल हिंदी का कर देती है तो आपकी बच्ची को मात्र 20 क्वेश्चन 130 क्वेश्चनों में करना पड़ेगा ये ऊपर, जो बहुत आसान है। मतलब बीएचयू में जो है गर्ल्स का एडमिशन कराना बहुत आसान है। अगर आप भी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखिए और समझिए। बॉयज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम इसके ज्यादा नहीं हो, वो भी अगर चाहे एडमिशन करा सकते हैं क्योंकि इनके लिए मात्र दो जगह फाइट का इस जगह है। और यहाँ फाइट के साथ लड़कियां भी उपस्थित रहती हैं, यहाँ फाइट की जगह लड़कियां भी रहती हैं, तो लड़कियां भी थोड़ा पढ़ती हैं तो वो उनकी सीटें खा जाती हैं। पहले क्या होता था, यहाँ लड़कियां नहीं रहती थी तो लड़कों के लिए आसानी रहती थी, लेकिन अब यहाँ यहाँ भी लड़कियां उपस्थित है, यहाँ तो है ही, मतलब मेन कैंपस और पीजीडीएमबी में लड़कों के साथ लड़कियां पढ़ती हैं और ये चार जगह केवल लड़कियां पढ़ती हैं, तो ये एडमिशन कराना लड़कियों के लिए बहुत आसान है लड़कों की तुलना में। प्रवेश परीक्षा का फॉर्म 15 फरवरी को आ जाएगा। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए, कोई भी क्वेरी हो, चाहे फॉर्म के भरने की क्वेरी हो या आपकी रैंक आने के बाद एडमिशन की क्वेरी हो, जो भी हो, आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर समाज को सुधारना है तो गर्ल्स शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। आप अपने समाज के लिए सुधारना चाहते हैं तो अपने बच्चों को और खासकर अपनी बच्चियों को शिक्षित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मालवीय जी के इस कर्मभूमि से अच्छी कोई जगह नहीं है जहां से आप अपनी बच्चियों को शिक्षा दे सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अगला वीडियो जो है बीएससी के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। मतलब बीएससी में कितनी सीटें होती हैं ये पूरा ब्यौरा मैं बीएससी के लिए भी बताऊंगा। बीएससी बायो का क्या हाल है, बीएससी मैथ्स का क्या है, कितनी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलता है, ठीक है। और आज के लिए इतना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट जरूर करिएगा, आपको तुरंत 24 घंटे में आंसर मिल जाएगा।